भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुए ने केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त से विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव की मतदाता सूची की खामियों को दूर करने का अनुरोध किया है। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए तैयार की गई मतदाता सूचियों में गंभीर त्रुटियों के कारण महाराष्ट्र में लगभग 10% मतदाता वोट देने के अधिकार से वंचित रह गए। बुधवार 24 जुलाई को नई दिल्ली में केंद्रीय चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और प्रदेश अध्यक्ष बावनकुए, मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार और पूर्व सांसद किरीट सोमैया के बीच चर्चा हुई। इस अवसर पर बावनकुए ने उन्हें एक वक्तव्य दिया। दौरे के बाद पत्रकारों से बातचीत में बावनकुए ने कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र में बूथों और मतदाता सूची में गड़बड़ी की जानकारी दी। 2019 में एक निर्वाचन क्षेत्र में 1.5 लाख वोट 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं थे, इसके लिए हमने इस बयान में नागपुर लोकसभा क्षेत्र का उदाहरण दिया है। उन्होंने आगे कहा कि मतदाता सूची तैयार करने के दौरान डाटा एंट्री की स्थिति की जानकारी दी। साथ ही अनुरोध किया कि एक बूथ पर मतदाता सूची 1000 मतदाताओं की बनाई जाए। इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि बुजुर्ग मतदाताओं की उम्र 50 से बढ़ाकर 75 साल की जाए और हाउसिंग सोसाइटी में 100% बूथ बनाए जाए। एक ही भवन में बूथ एक दूसरे के बगल में रखे जाने चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को बूथ स्तर के अधिकारियों द्वारा की गई गलतियों पर ध्यान दिया गया। इससे उन्हें ये भी यकीन हो गया कि फोटो के अभाव में कई लोग वोट नहीं दे सके हैं। उन्होंने चुनाव आयुक्त से उम्मीद जताई है कि आगामी विधानसभा चुनाव अच्छा होगा और मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। आज मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार जी, किरीट सोमैया जी, हमारे हेमंत सवरा जी, हमारे धोत्रे जी जो सांसद है, हम सब मिलकर चीफ इलेक्शन कमीशन कमिश्नर जी है राजीव कुमार जी, उनके इलेक्शन कमिश्नर से हम मिले। लगभग 1.25 घंटा हमने 11 मुद्दों पर चर्चा की। महाराष्ट्र के जो आने वाले चुनाव है, इस चुनाव में जो मतदान प्रक्रिया को लेकर जो सवाल हमने उठाए हैं, जो लोकसभा में हमें अनुभव आया है, लोकसभा में हमने देखा है कि अगर हम नागपुर की बात करें, मैं एक लोकसभा की बात करूंगा, बाकी तरीका सब महाराष्ट्र में होता है। 1,94,000 वोट डिलीट किए गए 2019 में, जिनने वोट किया 2024 में नहीं कर सके। 36,000 नाम तो डिलीट कर दिया कम्प्लीटली, जो लोग है, जो लोगों के पास कार्ड्स है, ऐसे भी हमने उनको यहाँ पर सारे हमने उदाहरण प्रस्तुत किए। हमने सारे उनके लिए जो हमारे पास जितना भी मटेरियल था हमने सारा दिया। जब यहाँ पर खासकर महाराष्ट्र में 18 से 25 साल के जो नए युवा एनरोलमेंट करते हैं, 5-5 साल उनका नाम ही नहीं आता है। जहाँ डेटा एंट्री होती है वो डेटा एंट्री में ही गड़बड़ियाँ है, वहाँ की डेटा एंट्री एजेंसी डेटा एंट्री बराबर करती नहीं है, तो परेशान है लोग 5-5 बार वोट डालकर भी कि उनका नाम लीक में आता नहीं है, ये भी सवाल हमने खड़ा किया है। इसके बाद जो दिव्यांग व्यक्ति है, इनकी आयु जो है, हमारे जो सीनियर सिटीजन है, इनकी आयु इलेक्शन कमीशन ने 85 रखी है, वो 75 रखी जाए, क्योंकि 85 साल कोई सीनियर व्यक्ति होता है जो बहुत अच्छे से चल पाता है, लेकिन 75 साल सीनियर सिटीजन की आयु करना चाहिए, ऐसा भी हमने बोला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि माननीय चीफ इलेक्शन कमीशन को हमने कहा कि 1500-1300 का जो मतदान केंद्र बनाया है, हमने अगर देखा तो 1300 वोट कर ही नहीं सकते। सवेरे 7 बजे से लेकर 6 बजे तक पूरी लाइन लगा के लोग रहते हैं, तो हमने कहा कि उसका रैशनलाइजेशन करें, उसके 2 बूथ बनाए और एक ही बिल्डिंग में बनाइए। अगर हमने दूसरे बिल्डिंग में कई शिफ्ट कर दिए तो लोगों को नाम ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, तो रैशनलाइजेशन करते वक्त एक ही बिल्डिंग में रैशनलाइजेशन होना चाहिए, ये भी बात हमने की है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो यहाँ पर हाउसिंग सोसाइटी है, जो हाई राइज बिल्डिंग है, उस हाई राइज बिल्डिंग में बूथ लगाने का, बूथ बनाने का, मतदान केंद्र बनाने का एक ऐतिहासिक निर्णय चीफ इलेक्शन कमीशन ने ऐतिहासिक निर्णय इस बार किया है 2024 के लोकसभा में, लेकिन महाराष्ट्र में 0 इम्प्लीमेंटेशन है। हाई राइज बिल्डिंग में नीचे बूथ लगा सकते हैं, वहाँ के लोग वही वोट कर सकते हैं, तो वो एक महत्वपूर्ण निर्णय है। और उससे ज़्यादा कि मोबाइल नहीं लेकर जाना, 3-3 घंटे 4-4 घंटे क्यू में रहना पड़ता है, मोबाइल नहीं लेके जाना, तो आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक सारी डिजिटल पावती आती है, डिजिटल वोटिंग लिस्ट आती है, बीएलओ वहाँ वोटिंग लिस्ट पहुँचाते नहीं है, ऐसे में मोबाइल पे वोटिंग लिस्ट होती है, तो उनको कहा कि भाई जब व्यक्ति अंदर जाता है
उनके पास मोबाइल रख लीजिए आपके ऑफिसर के पास, फिर होट करके वापस आएगा। लेकिन मोबाइल नहीं लेके जाना, तीन तीन घंटा मोबाइल नहीं रखना। कोई घटना उनके परिवार में हुई तो कब अटेंड करेगा? तो हमने कहा मोबाइल के बारे में ऐसा निर्णय करे कि जब व्यक्ति अंदर जाता है वही टेबल पे वो मोबाइल रख दे, होट करके अपना मोबाइल उठा ले, ऐसी व्यवस्था। क्योंकि पुलिस वो रहती है सारी चीजें और इन कैमरा रहता है, तो इन कैमरा ये सारा होने की वजह से मोबाइल की छूट देनी चाहिए, लेकिन वोटिंग करते वक्त मोबाइल उधर रखना चाहिए, ये भी बात हमने कही है। और हाई राइज बिल्डिंग में 100% बूथ होने चाहिए, ये भी बात कही है। पुणे जैसी सिटी में, नागपुर जैसी, मुंबई जैसी सबर्बन में आज लोग जाते ही नहीं वोट करने के लिए, लोगों को घर में टाइम नहीं है तो लोग वोट करने कहाँ जाएंगे? इसलिए जितनी सुविधा हो सकती है उतनी वोटों के लिए करनी चाहिए। 11 मुद्दे का ये डेलीगेशन हमने दिया है, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने भी इसको एड्रेस किया है। हमने महाराष्ट्र के चोकलिंगम जी उनको देने का प्रयास किया, लेकिन उनकी मानसिकता सुनने की नहीं है, इस वजह से चीफ इलेक्शन कमीशन के पास हमको आना पड़ा है। और जिस प्रकार से 1.25 घंटा चीफ इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात सुनी है, पॉजिटिव सुनी है, मुझे लगता है चीफ इलेक्शन कमीशन पॉजिटिव करेगा और महाराष्ट्र के सारे पार्टियों के लिए, सारे मतदाताओं के लिए एक अच्छा निर्णय चीफ इलेक्शन कमीशन करेगा, यही विनती हमने की है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।